नमस्कार, मैं हूं मंगल सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रानीपुर नगर पंचायत की अनुपयोगी सामग्री की हुई नीलामी। नगर पंचायत की अनुपयोगी सामग्री की नीलामी बोर्ड की सहमति से नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी रामवदन सिंह यादव और प्रधान लिपिक धर्मेंद्र वाजपेयी की देखरेख में और पार्षदों की उपस्थिति में की गई। नगर भ्रमण नगर एवं अन्य क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग सामान की बोली लगाने के लिए नगर पंचायत के खुशीपुरा स्थित गैरेज हाउस पहुंचे। बोली लगाने वालों के लिए अग्रिम राशि 10,000 रूपये जमा कराए गए। नीलामी की गई अनुपयोगी सामग्री में खराब हो चुकी 2 आपे गाड़ी, 2 पानी के टैंकर, विद्युत तार, कूड़ा गाड़ियां आदि सहित लगभग 1 दर्जन सामग्री की सामूहिक बोली लगाई गई। बोली प्रक्रिया 2 बजे बाद संपन्न हुई, जो 4 बजे तक चलती रही। पहली बोली 1,20,000 रूपये लगाई गई, जो आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते 1,90,000 तक पहुंची। आखिरी बोली भगवत अग्रवाल के नाम 1,90,000 में टूटी। इस अवसर पर पार्षद प्रदीप गुप्ता, राजाराम कुशवाहा, दीपक खरे, चंद्र प्रकाश इटेलिया, पप्पू खां मंसूरी, राजेश आर, संजीत बाल्मीक, सुरेश अहरवार, राम कुमार बाब मौर्या, कैलाश मगरपुरिया, राजकुमार, प्रमोद, जितेंद्र, मानवेंद्र, चंद्रभान सिंह यादव, बिमल मुरारी सिंह आदि उपस्थित रहे। रानीपुर से नरेश अग्रवाल की रिपोर्ट, झांसी। नगर पंचायत की आज जो नीलामी हुई है, ये कितने में टूट गई है, क्या हुआ? 1,90,000 में टूटी। 1,50,000 रूपए सरकारी बोली रखी गई थी, जिसमें 25-26 लोग आए। कितने लोग हैं? 30 लोग बोली वाले। लास्ट बोली 1,90,000 भगवत निवाड़ी की रही। भगवत निवाड़ी वालों की टूटी है। 1,90,000 की। 1,90,000